तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपनी YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। इस वीडियो में बात करने वाला है एक और अपडेट की। सीएम अशोक गहलोत ने नई भर्ती पदों को मंजूरी दे दी है और आज की ये खबर है और अब से कुछ देर पहले की लेटेस्ट अपडेट है किस तरीके से भर्ती होगी, कौन कौन से पद यहाँ पर सीएम अशोक गहलोत की तरफ से इस भर्ती को दिए गए हैं। तो पूरी खबर आप लोगों को बताते हैं। मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी, फूड सेफ्टी वाहन के संचालन के लिए 75 संविदा पदों पर होगी भर्ती। तो फूड सेफ्टी जो वाहन हैं उनको चलाने के लिए 75 संविदा के पदों पर यह भर्ती की जाएगी। आज का अपडेट है, समय आप लोगों को दिख रहा होगा, डेट आप लोगों को नज़र आ रही होगी। तो यहाँ पर अपडेट्स है दोस्तों, प्रदेश में फूड टेस्टिंग इकोसिस्टम को मजबूत किया जाएगा और इसके लिए दोस्तों यहाँ पर मिलावटखोरी पर रोक लगाने के लिए 25 नए फूड सेफ्टी वाहन यानी कि जो चल प्रयोगशालाएँ हैं वो यहाँ पर विकसित की जाएंगी। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए 75 संविदा पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। यानी कि जो मिलावटखोर करते हैं, दूध में करते हैं, खाद्य पानों में करते हैं, उन सब के लिए एक चलित जो प्रयोगशाला है, लैब है, एक जो व्हीकल है, गाड़ी है, उसमें इस तरीके की जाँचें के उपकरण रखे जाएंगे, कर्मचारी रखे जाएंगे, वाहन चालक रखे जाएंगे जो कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश भर में जांच करेंगे मिलावटखोरों की। तो उसी के लिए 75 संविदा जो पद हैं वो सृजित किए गए हैं। उसमें असिस्टेंट एनालिसिस्ट के 25 पद होंगे, MTS यानी कि मल्टी टास्किंग स्टाफ के 25 पद होंगे और वाहन चालकों के 25 पद होंगे। यानी कि 25 वाहन हैं तो 25 तीन अलग अलग तरह के जो कर्मचारी हैं वो चाहिए होंगे, तो 25-25 इनकी संख्या टोटल 75 हो जाती है। और यहाँ पर इन्होंने बताया है कि असिस्टेंट एनालिसिस्ट और मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए योग्यता राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अनुसार निर्धारित किए जाए। यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल जो रूल्स हैं जो 11 जनवरी 2022 को आए थे राजस्थान सरकार के कथित तौर पर संविदा सेवा नियम, उनके तहत ये भर्ती की जाएगी। 50 पद उसी तरीके से भरे जाएंगे कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स के। और 25 जो वाहन चालक हैं यहाँ पर ये भरे जाएंगे दोस्तों रैक्सको के माध्यम से, रैक्सको के माध्यम से भरे जाएंगे। रैक्सको एक कंपनी है, उसके माध्यम से इसमें सिलेक्शन किया जाएगा। तो रैक्सको के माध्यम से वाहन चालकों के पद और 50 जो पद हैं कॉन्ट्रेक्चुअल टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अकॉर्डिंग भरे जाएंगे। तो संविदा कुल मिलाकर के संविदा की ये भर्ती है, परमानेंट भर्ती नहीं है। और ऐसा कि आप सबको पता है कि सीएम अशोक गहलोत संविदा नौकरियों के जनक रहे हैं। जब से ये मुख्यमंत्री बने तब से राजस्थान में संविदा नाम की एक बीमारी जन्म ले रही है जो आज कैंसर बन चुकी है। इसमें ललचाया जाता है यूथ को और ललचाने के बाद जो स्थितियां पैदा होती हैं यहाँ पर तमाम जो यूथ है इसमें शामिल हो जाता है, क्योंकि बेरोजगारी का इतना आलम है कि नौकरियां नहीं है लोगों के पास, तो संविदा पर जो नौकरियां कर लेते हैं और उसके बाद हालात ये होती है कि परमानेंट होने के लिए या तो प्रदर्शन किया जाए या फिर बोनस अंकों की मांग की जाए। तो इस तरीके की चीज़ें हैं दोस्तों। 75 नए संविदा पदों को मंजूरी दी है सीएम अशोक गहलोत की तरफ से। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय